powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. This is the Epilogue Audio Experience. चुलबुली टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम कहानी सुनने वाले हैं चिंकी का जंगल। ये कहानी लिखी है डॉक्टर मंजरी शुक्ला ने। चिंकी एक गिलहरी है, बड़ी शैतान, इतनी शैतान कि वो जंगल के अपने सारे जानवरों को कुछ न कुछ मस्ती करती रहती थी, उनके साथ में कुछ न कुछ उनको परेशान करती रहती थी। कभी वो पलटू खरगोश की गाजर कुतर कर फेंक देती थी, तो कभी नन्हे कछुए के ऊपर बैठकर जंगल की सैर कराती और कछुआ बेचारा कुछ न कर पाता। एक बार तो उसने निफ्टी गोरैया से शर्त लगाई और पता है क्या किया, जंगल के राजा शेर सिंह की पूंछ ही कुतर दी। उस समय शेर सिंह सो रहा था। अब निफ्टी तो शर्त हार गई और उसे कई दिन तक चिंकी को स्वादिष्ट बीज और फल लाकर देने पड़े थे। एक दिन जब शेर सिंह जंगल का राजा घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि जंगल में पेड़ पौधे कुछ कम हो रहे हैं। उसे बड़ी चिंता हुई, वह बड़ा परेशान हो गया और जंबो हाथी से बोला, अगर सभी जानवर इस तरह से पेड़ पौधों को खाते रहेंगे तो एक दिन तो यह जंगल खत्म हो जाएगा। जंबो बोला, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। डूडो हिरन बोला, मैं सब जानवरों से कह देता हूँ कि ढेर सारे बीज जो इधर उधर पड़े हुए हैं उन्हें मिट्टी में दबा दो, कुछ ही दिनों बाद उनमें से पौधे निकलने लगेंगे और फिर से हमारा जंगल हरा भरा हो जाएगा। सभी पशु पक्षी और शेर सिंह डूडू हिरन की बात सुनकर बड़े खुश हो गए और शेर सिंह ने कहा, हाँ हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। और सारे जानवर बीजों को ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में दबाने लगे। जंबो हाथी सूंड में पानी भरकर लाता और बीजों पर फुर्र से बौछार डाल देता। सभी पशु पक्षी मेहनत करते और जंगल को हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर चिंकी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो क्या करती पता है, जब वो देखती कि आसपास कोई नहीं है तो वो बीजों को चुपके से जमीन में से निकालती, मजे से खाती और मिट्टी को वापस से ढककर भाग जाती थी। एक दिन सुरीली कोयल ने उसे ऐसा करते देख लिया और फिर वो उसके पास जाकर बोली, चिंकी हमारे जंगल के पास में जो दूसरा जंगल है वहाँ चलोगी मेरे साथ? घूमने की शौकीन चिंकी खुशी से झूम उठी और तुरंत सरपट दौड़ती सुरीली के साथ चल दी। दूसरे जंगल पहुंचने के बाद चिंकी सन्न खड़ी रह गई। बंजर धरती मतलब एकदम सूखी हुई जमीन और उस पर मुरझाए हुए पेड़, पतले दुबले जानवर और कुछ पक्षी बैठे थे। हमारे जंगल में तो कितनी ठंडी हवा बहती है और यहाँ कितनी गर्म हवा बह रही है, क्योंकि हमारे यहाँ फलों और नर्म मुलायम पत्तों से हरे भरे पेड़ हैं। चिंकी और गोरैया की बात हो रही है। थोड़ी देर बाद चिंकी का गला सूखने लगा और वह बोली, मुझे बहुत प्यास लग रही है और यहाँ पेड़ ही नहीं है तो पानी भी बहुत कम है, नदी भी सूख गई है। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए कि अरे इस जंगल की हालत कितनी खराब है। वह बोली, चलो चलो गोरैया मुझे ढेर सारे बीज मिट्टी में दबाने हैं। सुरीली बोली, कल हम यहाँ आकर भी बीज दबा जाएंगे,
ताकि यह जंगल भी हमारे जंगल के जैसे खूबसूरत हो जाए। सुरीली और चिंकी ने देखा, यस, ये हम कर सकते हैं, और दोनों हंसते हुए अपने जंगल की ओर चल पड़ी। क्या हम भी अपनी धरती को अच्छा बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए पेड़ उगा सकते हैं? बच्चों सोचना जरा। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और हम जल्दी ही एक और नई कहानी आपको सुनाने आएंगे। तो हमारे साथ जुड़ते रहने की और नई कहानियां सुनते रहने की सूचना आपको मिलती रहेगी एपिलॉग मीडिया वेबसाइट पर, या आपके फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर। तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना ना भूलें, और हमारी कहानियां चुलबुली टेल्स पर सुनते रहें।